लाल सागर में हूती के हमलों की वजह से अधिकतर इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके से अपना कारोबार समेट लिया है। दुनिया की दिग्गज कंपनियों ने लाल सागर, एडन की खाड़ी, बाबल मंदेब में या तो अपने ऑपरेशंस रद्द कर दिए हैं या फिर ये कंपनियां अपने मालवाहक जहाजों को दक्षिण अफ्रीका होते हुए भेज रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ब्रिटेन ने इस इलाके में अपने युद्धपोत तैनात किए हैं, जो लगातार हूती की मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहे हैं। लेकिन कई मामलों में अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना हूती के हमलों को रोकने में नाकाम साबित हुई है, और हूती ने अब एक ऐसा ऐलान किया है जिससे एक नई आफत आ सकती है। दरअसल हूती के नेता सैयद अब्दुल अल मलिक अल हूती का कहना है कि यमन की एयरफोर्स हिंद महासागर में उन जहाजों पर हमला करेगी जो केप ऑफ गुड होप रूट से होकर गुजरेंगे। पिछले कई महीनों से हूती लाल सागर में लगातार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर हमले कर रहा है। आपको बता दें कि अधिकतर शिपिंग कंपनियां हूती के हमलों से बचने के लिए लाल सागर और अरब सागर से इजराइल के बंदरगाहों को जाने की बजाय अफ्रीकी महाद्वीप होते हुए एक लंबे रास्ते से अपने जहाजों को भेज रही हैं, और इसकी वजह से इजराइल का उम अल रशरश या इलत बंदरगाह सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि अब लाल सागर होते हुए मालवाहक जहाज इजराइल के इस पोर्ट पर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर हूती के नेता सैयद अब्दुल अल मलिक अल हूती का कहना है कि वो हिंद महासागर होते हुए भी जहाजों को निकलने नहीं देंगे। المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن إنما نتجه بتوفيق الله تبارك وتعالى وبمعونته سبحانه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح هذه الخطوة المهمة والمتقدمة والكبيرة بدأنا ننفذ عملياتنا المرتبطة بها لا خيار أبدا للأمريكي ولا للبريطاني إلا وقف العدوان على غزة ووقف التجويع للأهالي في غزة. आपको बता दें कि हूती ने अपने इसी बयान में आगे कहा कि इलाके में अमेरिका का कोई भी हमला हूती को रोक नहीं पाएगा, बल्कि जब तक इजराइल गाजा में हमले जारी रखेगा तब तक हूती चुप नहीं बैठेगा। वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में लाल सागर से लेकर अरब सागर तक हमले जारी रखेगा। अपने इसी बयान में हूती ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और ब्रिटेन की जीत से एक ही नतीजा निकला है, वो ये कि स्थानीय स्तर पर इस युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है, और अब हम इजरायली जहाजों को हिंद महासागर से होते हुए बाबल मंदेब स्ट्रेट में पहुंचने नहीं देंगे। हूती का यह भी कहना है कि इंटरनेशनल शिपिंग कंपनियों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि इजराइल से जुड़ा हुआ एक एक जहाज यमन की मिसाइलों के निशाने पर है।